बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हावर्ड एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम। और जैसा कि आपसे लास्ट जो हमारा लेक्चर एज ए डेमो अवेलेबल था, लेक्चर नंबर 1 था वो, और आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है, जिसमें हम जो अपना पार्ट है वो कंप्लीट कर रहे हैं। हमारा पार्ट था, हम इनमी वालों की बुक को फोकस कर रहे थे, और ये कोर्स इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग बिजनेस और एथिक्स, यानी कि अकाउंटिंग के मुताबिक कुछ चीज़ें थी, एथिक्स के मुताबिक और बिजनेस के मुताबिक कुछ क्वेश्चन हमारे थे। तो इलमी वालों के हम बुक फॉलो कर रहे हैं अभी, ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, लेक्चर नंबर 15 है और कोर्स की एप्लीकेशन अकाउंट्स के रेलिवेंट कहीं पर भी सिलेबस है, भले वो सीनियर ऑडिटर है, लेक्चरर कॉमर्स है, अकाउंटेंट है, अकाउंट ऑफिसर है, बजट ऑफिसर है, तो इस तरह की जहाँ पे भी आपकी कोर्स होगी, जहाँ पे सिलेबस है, तो ये कोर्स इसलिए हम कवर कर रहे हैं कि लेक्चर तो हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, तो अब उनकी एप्लीकेशन में हम मजीद थोड़ा सा डाइवर्स हो रहे हैं कि किसी तरीके से सिचुएशन को, जो एरियाज हमारे अनकवर्ड अभी तक हैं, तो वो भी स्टूडेंट जो है वो सेटिस्फेक्शन फील करे। इसके अलावा जो भी हमारे नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आपको बुक्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, बुक्स भी सॉफ्ट कॉपी में हम वेबसाइट पे अवेलेबल कर देंगे, और दूसरे नंबर पे आपके लिए सॉल्यूशन के साथ आपको लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, तो आपको कहीं ना तो एकेडमी ना कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करेंगे। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो। तो क्वेश्चन नंबर 136, इसकी स्टेटमेंट ज़रा रीड करें, उसके बाद ज़रा सोचें कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि इक्वली इन्वॉल्वमेंट आपकी भी होगी, सिर्फ हम ये सॉल्व नहीं कर रहे हैं इनको, चीज़ों को जहाँ पे कंसेप्ट की ज़रूरत होगी हम कंसेप्ट को फोकस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 136, हु इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटेलर। जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन, इसलिए साथ में इकोनॉमिक्स का जो एक इम्पॉर्टेंट है, जो बिजनेस के स्टूडेंट हैं उनको पता होना चाहिए कि रिटेल में अब तक किसको बेंचमार्क करना चाहिए और कौन सक्सेस मार्क कर रहा है इन ग्लोबल मार्केट। तो इसमें ऑप्शन है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, वॉलमार्ट, लाइव्स, लीवर ब्रदर और दिशन ग्रुप। तो आपका आंसर क्या है ये आपको पता होगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट और करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, जिसको वॉलमार्ट है वो रिटेल में सबसे टॉप पे चल रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 137 है, स्टेटमेंट इज क्लियर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स फॉर कैपिटलिस्ट जस्टिस। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि एक कम्युनिज्म है जो कि चाइना और रशिया में हुई थी, और अमेरिका ने जब पहले रशिया में इन्वॉल्वमेंट की थी, यानी कि जब रशिया ग्रूम कर रहा था और उसने अफगान वार स्टार्ट की थी, तो उस वक्त उसको कंटेन करने के लिए यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका खासतौर पर, इन्होंने रशिया की जो पॉलिसी है कम्युनिज्म और चाइना की जो पॉलिसी कम्युनिज्म, उसको रोकने के लिए। कम्युनिज्म ये कहता है कि इक्वली हर एक को गवर्नमेंट के रिसोर्स एक्सेस में होने चाहिए, जबकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहती है कि जिसके पास जितना टैलेंट है, जो जितना मेहनत करता है, अपनी कैपिटल को जितने अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करता है, मैनेज करता है, उसका उतना ही राइट है, उसकी मलकियत भी उतनी बढ़े। तो ये जो है हमारे पास ऑप्शन है, इसमें कौन कौन से हैं, बेनिफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द कंट्रीब्यूशन द इंडिविजुअल मेक्स टू ए सोसाइटी। ऑप्शन बी है, बेनिफिट शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन द इंडिविजुअल मेक्स टू द सोसाइटी। दोनों एंट्रो हैं, ये एंटी हैं एक दूसरे के, ए और बी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन है, बेनिफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयमेंट, और डी है नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो ऑप्शन ए है हमारा वो ठीक है, बेनिफिट्स बेनिफिट्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन द इंडिविजुअल मेक्स टू ए सोसाइटी। सोसाइटी में जितनी वो कंट्रीब्यूशन करता है उसके हिसाब से उसको मिलना चाहिए उसका ड्यू राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 138 है, उसकी स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग मोरल रीजनिंग एंड इट्स इवैल्यूएशन। विच क्वेश्चन को समझना जरूरी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग मोरल रीजनिंग। मोरल क्या है, हम एथिक्स को ही मोरल, इखलाकियात और एथिक्स
कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं एंड इवैल्यूएशन, तो इसमें ऑप्शन हमारे पास है मोरल रीजनिंग डज नॉट इन्वॉल्व फैक्चुअल और डिस्क्रिप्टिव जजमेंट, जहाँ पे इखलाकियात की बात आती है तो हकायक को नहीं देखा जाता। ऑप्शन बी है ऑर्डिनरी लॉजिकल स्टैंडर्ड ऑफ वैलिडिटी टू नॉट अप्लाई टू द मोरल रीजनिंग। ऑप्शन सी है स्पेशल लॉजिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ वैलिडिटी डू नॉट अप्लाई टू मोरल रीजनिंग। ऑप्शन डी है मोरल रीजनिंग इन्वॉल्व नॉर्मेटिव और वैल्यू जजमेंट। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो ए ठीक है, जिसमें मोरल रीजनिंग यानी इखलाकियात की जो बात होती है या जो रीजनिंग आप करते हैं इसमें डज नॉट इन्वॉल्व इन फैक्चुअल यानी कि हकायक को नहीं करता और डिस्क्रिप्टिव जजमेंट यानी कि जो ऑलरेडी जजमेंट बयान कहीं पे की गई उसको इन्वॉल्व नहीं करता। मोरल रीजनिंग जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इखलाकियात की बातों को तरजीह देता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 139। क्वेश्चन नंबर 139 जो है द टाइप विद विच वन लुक्स ओनली एट मोरल रूल्स, यानी कि वो कौन सा मेथड है या टाइप है जिस पे सिर्फ मोरल रूल पे देखा जाता है और एक्शंस ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप इज नोन एज, तो जो सिर्फ और सिर्फ हम इखलाक मोरल रूल्स की जो है उनको अंडर कंसिडरेशन चीज़ों को देखते हैं तो इसको क्या कहते हैं रूल यूटिलिटेरियन, यूटिलिटेरियनिज्म और बोथ ए एंड बी, और इसके बाद ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो है टाइप विद विच वन लुक्स ओनली द मोरल रूल्स, जहाँ पे रूल की भी बात हो रही है और यहाँ पे मोरल की भी बात हो रही है तो आपका ऑप्शन जो होगा रूल यूटिलिटेरियनिज्म, ऑप्शन आपका है रूल यहाँ से आपने उठा देना है रूल और एथिक्स जो है ये यूटिलिटेरियनिज्म, तो यहाँ से आपका जो आंसर है इसमें आपने दोनों में कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ पे जहाँ पे रूल्स की बात होती है तो रूल यूटिलिटेरियनिज्म आएगा हमारा ऑप्शन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 है स्पेस इज द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ मोरल वैल्यूज एंड रूल्स, मोरल वैल्यूज और रूल्स का जो फिलोसफिकल स्टडी है इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा ऑप्शन होगा बी यानी कि एथिक्स, जो एथिक्स है ये फिलोसफिकल स्टडी ऑफ मोरल वैल्यूज एंड रूल्स है, ये डेफिनेशन आप ये कह सकते हैं एथिक्स की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 141 और 141 क्वेश्चन है आइडिया ऑफ प्रिसाइज क्वांटिटेटिव मेथड फॉर डिसीजन मेकिंग इज मोस्ट फुली रियलाइज्ड इन, क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं आइडिया ऑफ ए प्रिसाइज क्वांटिटेटिव मेथड फॉर डिसीजन मेकिंग इज मोस्ट फुली रियलाइज्ड इन, तो इसका आथर कौन है और यहाँ पे जो क्वेश्चन कहा गया है तो ये है कि जहाँ पे आपके बजट को कॉस्ट को और सीपीआर पूरी रिपोर्टिंग और कॉस्टिंग की सारी चीज़ों को आप डिटेल में देखें, मैनेजमेंट के फंक्शन वगैरह को डिटेल में देखें तो आप उसको अगर समराइज के तौर पे लें और क्वांटिटी जो आपके पास है रिजल्ट्स हैं उनके बेस पे आप डिसीजन टेकिंग करते हैं तो वो आसान होता है। और ये किसने कहा है, बेंथम ने ये कहा है, ये बेंथम का जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका ठीक है बेंथम, आपने इसको टेक करना है ये आपका ऑप्शन ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आता है 142 शैडो प्राइसिंग इज अ टेक्निक व्हिच इज यूज्ड इन, शैडो प्राइसिंग कहां पे यूज होती है नॉर्मली आप देखेंगे तो शैडो प्राइसिंग अकाउंटिंग में यूज हो रही है, तो आगे ऑप्शन हमारे पास बिजनेस एथिक्स भी है मैनेजमेंट भी है और डी पे नन ऑफ द अबव है, तो आपका ऑप्शन ए ठीक है ऑप्शन ए अकाउंटिंग में शैडो प्राइसिंग यूज की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 143 है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोरल स्टैंडर्ड, मोरल स्टैंडर्ड का ये इन जो हमारे पास ये ऑप्शन प्रोहिबिट वैल्यू कंडेम है इनमें से कौन सा जो फीचर है वो मोरल स्टैंडर्ड में नहीं आता, तो मोरल इखलाकियात की जब आती है बात ना तो किसी को रोका जाता है ना किसी को ओवर वैल्यू ना किसी को कंडम किया जाता है, तो ऑल ऑफ द अबव जो है ये निगेट करते हैं यानी कि जो ऊपर सारे दिए गए ये मोरल स्टैंडर्ड के फीचर में से कोई नहीं है, तो आपने ऑप्शन इसका बी जो है वो ठीक होगा, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 144 इक्वालिटी ऑफ इनकम एंड क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज रेफर टू, इक्वालिटी ऑफ इनकम यानी कि इनकम भी आप इक्वल है और अपॉर्चुनिटी भी हर एक को
बराबर की मिल रही है, तो ये किसका कंसेप्ट है? इक्वालिटी का है, पॉलिटिकल इक्वालिटी का है, इकोनॉमिक इक्वालिटी का है, ह्यूमन इक्वालिटी का है? तो ये इसका ऑप्शन जो है वो आपका डी जो है वो है इकोनॉमिक इक्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो है 145 स्पेस इज अ कोड ऑफ कंडक्ट दैट एन इंडिविजुअल और ग्रुप हैज अबाउट राइट एंड रॉन्ग। तो ये जो कंसेप्ट है यानी कि ये इज अ कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, इनमें मॉरलिटी, एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, पर्सनल एथिक्स। तो इसमें सिंपल एथिक्स इज अ कोड ऑफ कंडक्ट दैट एन इंडिविजुअल और ग्रुप हैज अबाउट राइट एंड रॉन्ग, क्या ठीक है क्या गलत है, ये कोड ऑफ कंडक्ट है जिसको हम एथिक्स कहते हैं। तो आपका ऑप्शन यहां पे होगा बी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। और आप हमारा फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे ग्रुप्स को भी प्रमोट करें और साथ में चैनल को भी प्रमोट करें। आपकी वजह से हो सकता है दूसरों तक भी हमारा ये फोरम पहुंचे और कोई कामयाबी अगर से मिल ले तो दिस क्रेडिट विल गो टू यू एंड आवर सेटअप। और हम ये कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको क्वालिटी एजुकेशन एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सके। तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी अगर करना चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, कम्प्लीट कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, लेक्चर कॉमर्स है और सीनियर एडिटर की तैयारी जो है वो फुल चल रही है। अगर आपने अभी तक हमारे फॉर्म को ज्वाइन नहीं किया, प्लेटफॉर्म नहीं ज्वाइन किया, अभी आपके पास बहुत टाइम है, अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।